अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई, या फिर जिसे आप चिकन रोस्ट भी कह सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिस्पी होगा, ऊपर से क्रस्ट इसकी क्रिस्पी होगी। तो इसके लिए हम 1 किलो चिकन लेंगे। इस तरह बड़े बड़े पीसेस भी ले सकते हैं और छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। और इसमें हम कट्स लगाकर इसके ऊपर नमक लगाएंगे हसबे जायका। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक ले रही हूँ, आप हसबे जायका ले सकती हैं। और इसके ऊपर अब हम सूख मिर्च का पाउडर लगाएंगे। सूख मिर्चें हैं ये पिसी हुई, आधा टेबल स्पून यानी आधा खाने का चम्मच। 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई हम इसमें शामिल करेंगे, पाउडर नहीं कुटी हुई। चाइनीज सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। अदरक पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आप अदरक पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। लहसुन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये भी आप पेस्ट शामिल कर सकती हैं। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप दोनों पेस्ट यूज़ कर लें। ऑरिगानो लीव्स, ये मैं आपको बॉटल दिखा दूं, ये ऑरिगानो लीव्स हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये भी ऑप्शनल है। इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है चिकन का। 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 ही टेबलस्पून हम इसमें विनेगर यानी कि सफ़ेद सरका ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस, जो थिक वाली चिली गार्लिक सॉस होती है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये आप देख सकती हैं, ये चिली सॉस है थिक वाली, तो ये हम इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब हम सारे मसालों को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे, अच्छे से रब करेंगे, और इसके बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटा। और अगर मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी स्टीम कर सकती हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हम एक खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे और इसमें सिंपल चिकन को इस तरह रखेंगे, जो इसकी मैरिनेशन है वो ऊपर से डालेंगे, और आँच लो टू मीडियम रखकर हम इसे स्टीम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हटा दिया है, तो आप देख सकती हैं कि इसमें से पानी काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, ये आप देख सकती हैं। तो अब हम इसे मज़ीद कुक करेंगे ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये अच्छी तरह से स्टीम होकर कुक हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा स्टीम हो चुका है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। एक दूसरे बाउल में हम 2 अदद अंडे डालेंगे। नमक आप हसबे जायका ऐड कर सकती हैं, क्योंकि चिकन में भी नमक था, तो इसमें आप थोड़ा सा ही नमक ऐड करें। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे, और फेंटने के बाद हम इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें ठंडा दूध भी ऐड कर सकती हैं। थोड़े से मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकती हैं। ठंडा पानी डालकर या ठंडा दूध शामिल करके अच्छी तरह से फेंट कर हम इसे साइड पर रखेंगे। एक दूसरे बाउल में हम 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा लेंगे सिंपल, और दूसरे बाउल में हम ब्रेड क्रम्स लेंगे, और ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा फूड कलर शामिल करी हूँ, इससे बहुत ही अच्छा डार्क कलर आता है ऊपर से। और अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं ऐड करना चाहती हैं तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकती हैं। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। ये चिकन का पीस हम लेंगे, ये अच्छे से ठंडा हो गया। याद रखें कि गर्म पीस को आपने कभी भी इस तरह करके इसकी मेरीनेशन, इसकी जो कोटिंग है वो नहीं करनी। तो ठंडी, अच्छे तरह से ठंडा किया हुआ पीस हम लेंगे चिकन का, और इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग करने के बाद हम इसे डस्ट ऑफ करेंगे, और इसे जो अंडे वाला मिक्सर है उसमें हम डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर अंडे वाला मिक्सर हमने लगा लेना है, और इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है, और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके ऊपर हम इस तरह करके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे।
और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। एक बर्तन लेंगे या फिर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल हम गरम करेंगे क्योंकि हमने चिकन को डीप फ्राई करना है। मीडियम हीट हमने रखनी है क्योंकि चिकन अंदर से कुक है, हमने सिर्फ बाहर से इसे क्रिस्पी और गोल्डन कलर लाने तक फ्राई करना है। तो हीट मीडियम पर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई या लो पर नहीं होनी चाहिए। मीडियम हीट पर हम चिकन को फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से इसका कलर आ जाए। इसी तरह हम सारे पीस डिप करके ब्रेड क्रम्स में और अंडे में और मैदे में कोट करके हम सारे पीसेस इसी तरह फ्राई करेंगे। अगर आपको डार्क कलर पसंद नहीं है तो आप इसी तरह लाइट ब्राउन करके इसे निकाल सकती हैं क्योंकि ये अंदर से कुक होता है, तो ऊपर से कलर आप अपनी मर्जी का इसका ला सकती हैं। अगर आपको लाइट ब्राउन पसंद हो तो लाइट ब्राउन करके आप इसे निकाल लें, डार्क ब्राउन पसंद हो तो आप डार्क ब्राउन करके इसे निकाल सकती हैं। मैं थोड़ा सा इसे ज़्यादा फ्राई करूँगी क्योंकि यहाँ एक बेकरी है, हमारे वहाँ पाकिस्तान में एक बेकरी होती थी तो वहाँ पे ये चिकन मिलता था, बहुत ही ज़बरदस्त उसका जायका होता था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ अपनी तरफ से ट्राई की, मुझे कोई भी इस तरह करके इसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये फाइनली जो मेरा रिज़ल्ट आया था बिल्कुल टेस्ट वाइज और कलर वाइज बिल्कुल वैसा ही था जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में बेकरी में मिला करता था। तो ये इसका कलर आ चुका है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। सारे पीसीस को हम इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। निकाल कर आपने किसी छलनी में रखना है। याद रखें कि जब भी आप इस तरह कोई डीप फ्राई चीज़ बनाते हैं तो इसे आप निकाल कर किचन पेपर या किचन टॉवल पर मत रखें, किसी भी कागज़ या अखबार पर मत रखें, इसे आप किसी छलनी में रखें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और सोगी नहीं होते। तो इसी तरह हम सारे पीसेस फ्राई करके निकाल लेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। तो ये हमारा चिकन फ्राई तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी, बहुत ही नरम हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, केचप और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व कीजिए, बच्चों को दीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपीज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।